आप आरटीओ में आए थे काम के लिए, क्या मामला था आपके साथ? एक हफ्ते से आ रहे थे तो डेली आजकल बुला रहे थे, डेली एक एक डॉक्यूमेंट बुलवा रहे थे, मना किए हम, पैसे की डिमांड किया था उन्होंने, फिर भी हमने दिया नहीं था। तो एक कल फिर से बुलाए एफिडेविट के लिए, हमने दिया, फिर भेजे कि फ़ोटो लगवा के आओ, फिर फ़ोटो लगवा के आए, फिर बोले नोटरी कराओ, फिर आए, फिर आज जमा किए, आज उन्होंने पैसा मांगा और मैंने वीडियो बनाया, उस वीडियो को उन्होंने ले लिया, मेरा फ़ोन जब्त कर लिया। उसके बाद घंटों तक रुके रहे, जब आरटीओ साहब आए, बात हुई, वो गाली गलौज कर रही थी, कुत्ते कमीने, आरटीओ साहब के सामने की बात है, उन्होंने कुछ नहीं बोला, मैंने बोला भी, मना भी किया कि आप लूज टॉक में बात मत करिए, फिर भी उन्होंने नहीं सुना। और गाड़ी की फिटनेस ड्यू हो रही थी, इसी वजह से मैं लगा हुआ था करीब एक हफ्ते से रसीद कटवा के कि काम हो जाए। कौन सी गाड़ी का आप काम कराने आए थे? मेरी लोडिंग गाड़ी है MP04LC5798, गाड़ी के निशान तिवारी के नाम पे है, सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट। उसके बाद आज आरटीओ साहब ने अभी बोला, अब जब इतनी बातचीत हो गई वीडियो डिलीट करवाने के बाद, बोले अब विलंब शुल्क आप जमा करवा दो और नेट NOC उसके बाद मैं कर दूंगा आपको अब। और दूसरा उन्होंने ये बोला कि महिला हैं, महिला से ज़्यादा, महिला का आपने वीडियो बनाया है, आपके खिलाफ़ FIR कर देंगी। मैंने वही बोला कि भाई ऑन ड्यूटी हैं, वो गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, मैं गवर्नमेंट ऑफिसर से बात कर रहा हूँ, महिला का वीडियो बना ही नहीं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का बना जो घोंस ले रहे थे, और मेरे मोबाइल को जब्त करके उन्होंने पूरे वीडियो डिलीट कर दिए। कितना पैसे मांग रहे थे आपके काम के लिए? 2000 रुपये मांग रही थी, 1000 रुपये अपने लिए, 1000 रुपये बोले साहब के लिए चाहिए। दर्शना बाखड़े, और उन्होंने किसी को फ़ोन भी किया था, तो कोई लड़का आया था और लंबा था, 6-7 फीट के आसपास, वो गाली गलौज कर रहा था कि कौन वीडियो बना रहा, बाहर निकल, तो ये डर के मारे बाहर नहीं निकले हैं। इसके बाद हम लोग को फ़ोन लगाएं, तो हम लोग इनके भाई हैं, तो आए हैं कि गाली मत दीजिए, फिर जैसी भीड़ यहाँ इकट्ठा होती गई है आरटीओ के लोगों की, वो फिर भाग गया है। इनके पास आपको फ़ोन करके क्या बताया, क्या समस्या थी इनके पास? इन्होंने बताया कि मैडम पैसा ज़्यादा मांग रही थी, मैंने वीडियो बनाया और मैडम ने मेरा मोबाइल छुड़ा लिया है, और किसी को फ़ोन किए वो बाहर गाली दे रहा है, तो आप लोग आ जाइए, वो मारने के लिए बोल रहा है। अगर यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई तो आप अगला कुछ कदम है, आप FIR दर्ज करेंगे। आपका नाम? रिंकू गौतम।